नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के फटाफट खबरों का। चीन द्वारा कानून बदले जाने के बाद हांगकांग में पहली बार मतदान कराया गया। वहीं बीजिंग ने सीधे चुने गए विधायकों की संख्या कम कर दी है और केवल चीन के वफादार लोगों को ही प्रत्याशी बनाना सुनिश्चित किया। मोदी सरकार आज लोकसभा में वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का विधेयक पेश करेगी। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के एक से अधिक जगह पर मतदान सूची में नाम दर्ज कराने की खामी पर रोक लगाना है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, लेकिन MSP की लड़ाई जारी है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मशाला में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को उनका संगठन कंट्रोल नहीं करता। बीते 18 दिन में देश में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के 150 से ज्यादा मामले मिले। विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में प्रातःकाल पूजा पाठ और गौ सेवा करने के बाद गोरखपुर मंदिर प्रांगण में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्या सुनकर उनका जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। बिहार के सहरसा से BJP के पूर्व जिला अध्यक्ष शालिग्राम देव ने पुलिस कस्टडी में बाहुबली नेता पप्पू देव की मौत के आरोप पर कहा कि पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के नेतृत्व में उनका हत्या कराया गया। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में हो रही बेअब्दी की घटनाओं को लेकर बयान देते हुए कहा कि इसके पीछे कोई एजेंसी काम कर रही है। हरियाणा रोडवेज विभाग ने करनाल डिपो को 75 नई बसों की सौगात दी, जहां बसें मिलने से ग्रामीण यात्रियों को सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर हैं, जहां वे जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद मसूरी में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का लोकार्पण करने के बाद कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि झारखंड में 70,000 शिक्षकों की आने वाले वर्षों में बहाली होगी। छत्तीसगढ़ में मेडिकल PG की काउंसलिंग के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, जहां 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची हेमा मालिनी, कहा इंदौर उनका सबसे पसंदीदा शहर है और वे ये जानना चाहती हैं कि आखिर हर बार शहर स्वच्छता में पहले नंबर पर कैसे आता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने PM मोदी को 27 दिसंबर को हिमाचल आने का न्योता भी दिया। जम्मू कश्मीर में बिजली की निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की 3 दिनों से जारी हड़ताल से मचे हाहाकार को देखते हुए सेना ने ग्रिड स्टेशन पर जिम्मेदारी संभाल ली है। बंगाल भाजपा नेतृत्व के एक बड़े वर्ग पर निशाना साधते हुए पार्टी की राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के इस आरोप के पीछे कुछ सच्चाई हो सकती है कि कोलकाता नगर निगम के उम्मीदवारों के चयन में धन का लेन देन हुआ। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी पर जोरदार हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सरकार पंचर ऑटो रिक्शा की तरह है। इसके तीनों पहिए अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, जो सिर्फ प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है। वहीं शिवसेना को धोखेबाज भी बताया। गुजरात के हास्य कलाकार जगदीप त्रिवेदी की अनूठी मुहिम से हंसी हंसी में बन गए 6 स्कूल और पुस्तकालय। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने ग्रुप B और ग्रुप C के पद पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jipmer.edu.in पर 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ ने बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम की तारीफ करते हुए कहा कि अब भारतीय ये कहेंगे कि हमारे पास मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी नहीं हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन खान ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अरसलान के साथ जमकर की पार्टी, जिसका कोजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।